देखिए अगला क्वेश्चन जो था इसका दूसरा वाला पार्ट है कि एक मीनार जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि एक मीनार जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, गणना कीजिए वह भूतल पर कितने समय पश्चात पहुँचेगा। ठीक है, ये गति के समीकरण पर आधारित जो है प्रश्न है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई दी है 40 मीटर, ठीक, पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ होगी जो ऊपर की ओर फेंकी जाएगी, ठीक है, तो वो जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटी होगी, उसके विपरीत फेंकी जा रही है। ठीक है, तो हमने ये बताया था कि जो जी होगा, ठीक है, या ए होगा वो जी के बराबर, और इसमें जो होगा वो माइनस जी के बराबर होगा जब ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक, और जो ऊंचाई भी होगी, जो ऊंचाई दी होगी वो भी हम माइनस में लेंगे। ठीक है, एस की जगह एच हो जाता है, ठीक, एस की जगह क्या होगा, माइनस का एच। तो यहाँ पर जो एच की वैल्यू दी गई है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एच की वैल्यू दी गई है माइनस 40 मीटर, और जो तुम्हारे पास दिया गया ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये इसका एक प्रारंभिक वेग दिया है। प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, यू से। तो यू बराबर क्या दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी चीज़ इसमें क्या दी गई है, ध्यान दीजिएगा, टी निकालना है। ठीक है, टी इसमें निकालना है, और जी की वैल्यू देखिए इसमें पहले ही क्वेश्चन में दे दी गई है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम जो है गति की जो होगी दूसरी समीकरण हमने आपको बताई थी कि होती है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो जो है हमने बताई थी एस इक्वल होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन कंडीशन क्या है, कोई वस्तु जो है ऊपर की ओर जा रही है। ठीक, तो ये एस जो होगा वो एच में बदल जाएगा, यू टी ऐसे रहेगा, ये माइनस जी के इक्वल, तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ये हमारे पास समीकरण बन गए। ठीक है, एक बार पहले भी हम बता चुके हैं कि गुरुत्वाधीन जो गति होगी उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से जो है इसमें चेंज होता है जब कोई भी वस्तु, ये भी ध्यान कर लीजिए, फिर से बता रहे हैं कि अगर कोई वस्तु जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो उसमें जो ग्रेविटी होगी, ठीक है, वो जी होगा, वो प्लस में रहेगा। ठीक है, और ऊंचाई जो होगी वो भी प्लस में रहेगी, जितनी भी वो डिस्टेंस जो है ऊपर से नीचे तक आने में तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो h होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है माइनस 40 बराबर, u का मान जो दिया गया है वो 10, t निकालना है, माइनस हाफ, तो हमने माइनस पहले रख दिया ना, g की वैल्यू दी गई थी 10, ठीक है, इंटू 10, और ये हो गया t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये ध्यान कर लीजिए, सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि 2 से ये काट दिया, 2 × 5 = 10, ठीक है, यहाँ पर बचा माइनस 40 बराबर 10t, ठीक है, और माइनस का यहाँ बचेगा 5t स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं, पूरे समीकरण में से 5 जो है हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जब 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेने में क्या होगा, इससे जो है 5 पूरा निकल आएगा, इधर से 5 फैक्टर करेंगे, इधर से 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा माइनस का 8, ठीक है, 8 × 5 = 40, और यहाँ पर 2t और माइनस का टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये वाला पूरा इसके इधर ले आते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जब बन गई तो इसके फैक्टर भी हो जाएंगे, ये इतना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2t और ये माइनस का 8 रहेगा बराबर 0। अब जो है यहाँ पर इसका क्या करेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेने में 8 - 8 दिया है, माइनस 8 के इसे फैक्टर करेंगे कि तुम्हारे पास माइनस का 2 आ जाए। ठीक है, इधर देखते हैं, यहाँ पर जो माइनस 8 दिया है इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाए, 2 आ जाए, 8 के फैक्टर करिए, 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 8 और 4 + 2 = 2 बचेगा,
तो टी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर लिखेंगे 4t और प्लस का 2t और माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ से जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन क्या मिलेगा, t, तो इधर बचेगा t माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन मिलेगा, t माइनस 4 बराबर 0। ये तुम्हारे पास हो गया t माइनस 4, एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, दूसरे में t प्लस 2 बराबर 0। देखिए जब एक बार क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या होता है, एक बार जब ब्रैकेट होता है इसको 0 बराबर लेंगे, तो जब लिखेंगे जब t माइनस 4 बराबर 0, तो t बराबर क्या आ गया, 4 सेकेंड, ठीक, ये सेकेंड है। दूसरी चीज़, अगर t प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं, t प्लस 2 बराबर 0, तो इसमें t बराबर होगा माइनस 2, और जो समय होता है वो कभी भी माइनस में नहीं लिया जाता। हमने पहले भी बताया था कि समय होगा, चाल होगी, दूरी होगी, ठीक है, ये कभी भी क्या होते हैं, माइनस में नहीं लिए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 4 सेकेंड होगा, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझिए और लगाइए, ठीक है। अब अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, लिखा है एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्जित कर लेती है। कार द्वारा तय समय में चली गई दूरी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें दिया क्या है, ठीक है। जो जो दिया होता है उसको पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि गति की 3 समीकरण में से कौन सी समीकरण उपयुक्त होगी, वही यहाँ पर हम निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है कि एक जो सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए, जब कभी भी विराम से पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा उसमें जो उसका प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है, कौन सा, जो प्रारंभिक वेग होगा u, वो सदैव क्या हो जाता है, 0, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि 25 सेकंड में, 25 सेकंड मतलब समय दिया, t बराबर दिया इसका है कितना, 25 सेकंड, ठीक। 180 किलोमीटर पर घंटा की चाल अर्जित करती, तो v बराबर दिया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हैं कि हमने बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, पिछले वाले में बताया होगा, उसको 5/18 से गुणा करा देते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 10 बार जाएगा, तो ये बन जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। निकालना क्या है, कार द्वारा चली गई दूरी, तो s निकालना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ u, t, v, s, ठीक, इतनी चीज़ निकालना है। देखिए इसमें दूसरी समीकरण लगाएंगे तो, लेकिन पहली चीज़ ये है कि इसमें हमको a नहीं पता है, क्या नहीं पता है, a, और जब तक a नहीं पता होगा तब तक कि s जो है नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 इक्वेशन लगाएंगे, पहली जो इक्वेशन होगी उसमें हम a निकालेंगे पहले इक्वेशन से, और जब दूसरे इक्वेशन होगी तब उसमें s निकालेंगे। देखिए कैसे हमको मालूम है, पहले लिखेंगे भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए पहली इक्वेशन क्या होती है, ये होती है v इक्वल u प्लस ए टी, ठीक है। देखिए इसमें माइनस और प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने बताया था कि जब कोई भी वस्तु जो है समतल सड़क पर चलेगी, ठीक है, सीधी सीधी चल रही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत या गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल सी जो पहली दूसरी इक्वेशन लिखवाई थी, तीनों इक्वेशन वही चलेंगे। तो v जो दिया गया है यहाँ पर वो दिया गया है 50, u 0 है, और प्लस a इंटू टी की वैल्यू है 25, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 50 इक्वल ये a इंटू 25, ठीक है, 25 से काट दो, 2 बार जाएगा, तो a बराबर जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तो हमने a निकालना क्या है, s निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो u बराबर 0 है तो इतनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस हाफ a की वैल्यू 2 निकाली है, t का मान 25 है तो 25 का वर्ग, 2 से 2 काट दिया, तो s इक्वल क्या आ गया, 25 का वर्ग, और 25 का जब वर्ग करेंगे 5 25 और 3 2 6 625 जो है मीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर।
आई थिंक सभी को ये समझ में आ गया होगा कि इसको जो हम किस प्रकार से इक्वेशंस को रखा जाता है। ठीक है, तो हमने दो तीन क्वेश्चन इसमें आप लोगों को बता दिए हैं, और इसके बाद में क्वेश्चंस लगाइएगा, उसको भेजिए। जो क्वेश्चन नहीं लगे उसको हम सोल्यूशन देंगे, ग्रुप पे देंगे आपके। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को रिवाइज करिए और इसका चैप्टर पहले पढ़िएगा, पूरे जो वीडियोस दिए गए उनका चैप्टर पढ़िए, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को समझिए, आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, बाकी का जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।